शिवा हम लोग स्पॉट पे आ गए। बच्चे का गेम एक घंटे में खत्म होने वाला है। एक्सक्यूज मी, हेलो, सुबोध राजाराम दबकर। कौन? तेरा बाप। अरे बाप से याद आया, तेरा बच्चा जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेल रहा है वो थोड़ी देर में किडनैप होने वाला है। क्या? अरे घबरे ना करे, क्या नहीं अब तक होगा, अगर तो हमें 1 करोड़ रुपए देने में अगर फेल हो गया तो। क्या बकवास है ये। क्या रे सुबोध, चेक कर रहे क्या बच्चा जिंदा या मर गया? अरे क्या बोलता है? मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मैं 25 लाख दे सकता हूँ। अरे खाली 25 लाख की बात करता है तू? अरे मौत भी करे समझा क्या रे तू? का बच्चा या पड़ोसी कर देना। अरे सुबोध भाई काय करता तुम्हें, बार्गेनिंग घर के लिए डिटर्जेंट थोड़ी खरीद रहे यार। इकलौता बेटा है। ओ चोट फॉल्ट नहीं है तेरा, आजकल सब लोग ऐसे ही डिस्काउंट सेल्स के पीछे लगे रहते हैं। मैं समझाता हूँ, पेपर पढ़ता है ना तू? 3 महीने पहले एक बिजनेसमैन श्रीराम बोरकर, उसका बच्चा डेड। वो क्या है बेटा, तेरा पापा तुझसे प्यार नहीं करता है, पैसा मांगा था नहीं दिया। आई एम सॉरी। रोड पे उसका लाश मिला था लेकिन किलर नहीं मिला। टीवी पे देखा होगा जिम परेरा ड्रीमलैंड होटल का मालिक, जिसकी लाश उसकी होटल की टेरेस पे 500 लीटर का सिंटेक्स टांकी के नीचे पड़ा था, उसका भी किलर नहीं मिला। शिवा वो वैलेंटाइन डे पे किसको उड़ाया था हमने? इसको बंसल को। अरे बंसल को तो होली में गोली दिया था, ये हिरेन लावा बॉय गर्लफ्रेंड को रोज दे रहा था, उसी रोज उसको गोली दे दिया मैंने। और ये हाइलाइट्स का आंखों देखा। क्यों सुना रहा हूं बताया तुझे? मेरे साथ कुछ भी करने का, मेरा ईगो हर्ट नहीं करने का। अब तू डिसाइड कर सुबोध भाई, अपने छाती पर पैसा लगाना है या अपने बच्चे की लाश? माजी सट तक नहीं रहे, आजकल माँ बाप भी सेंटिमेंटल नहीं है रहे, फीलिंग्स इमोशन कुछ भी नहीं है, प्रैक्टिकल होते जा रहे। अरे ऑमलेट ठंडा हो गया यार, और एक बनाना। काय अब फोन लगाओ, डोज दिया ना, पेटी तैयार होगा।